1993 के मुंबई हमले के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी के बाद दाऊद इब्राहिम का करीबी छोटा शकील बौखला गया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में छोटा शकील ने फोन करके धमकी दी है कि भारत को इसका अंजाम भुगतना होगा। छोटा शकील ने कहा है कि याकूब को फांसी देकर उसकी कानूनन हत्या की गई है। छोटा शकील ने अखबार को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा है कि याकूब को फांसी देने के बाद सरकार और एजेंसियों से भरोसा खत्म हो गया है और फांसी से यह भी साबित हो गया है कि अगर दाऊद भी कभी भारत आएगा तो उसके साथ भी यही होगा। और आपको फिर बता दें कि छोटा शकील ने यह धमकी टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू में दिया है। छोटा शकील ने कहा है कि यह साफ हो गया है कि दाऊद भी अगर भारत आता है तो यही अंजाम होगा। भारत सरकार ने क्या संदेश दिया है? तुम लोगों ने एक निर्दोष को उसके भाई की करतूत की सजा दी है। कंपनी इसकी निंदा करती है। ये कानूनन हत्या है, इसका अंजाम भुगतना होगा। अब आगे से कोई भी सरकारी चॉकलेट पर भरोसा नहीं करेगा। अगली बार जब तुम लोग कोई वायदा करोगे तो कोई तुम्हारी एजेंसियों पर यकीन नहीं करेगा। बम धमाके में टाइगर मेमन का रोल तो चार्जशीट में लिखा था, लेकिन सरकार ने ऐसे आदमी को सजा दे दी जो अपने साथ साथ ऑडियो वीडियो सबूत लेकर गया था। वो दूसरे आरोपियों से सहमत नहीं था और उसने कानून का पालन करने का फैसला किया था। बदले में उसे क्या मिला? तुम लोग अपने अफसरों पर भी भरोसा नहीं रखते हो। दिल्ली का एक अफसर सीबीआई का, उसने बोला था कि इसका रोल नहीं है, पर तुम लोगों ने उसका भी भरोसा नहीं किया। और छोटा शकील ने याकूब का पुरजोर बचाव यहां पर किया है। इंटरव्यू में उसने कहा है कि याकूब के परिवार को दुबई का वीजा मिल गया था, उसने अपने परिवार को वहां बुलाया और फिर सरेंडर किया। आखिर किस लिए? उसको फांसी देकर क्या मिल गया? क्या तुम लोगों ने कुछ नया हासिल कर लिया? किसी ने कुछ किया और उसकी सजा उसके भाई को दे दी गई। उसका भाई दिमागी तौर पर कमजोर है, उसे भी सजा दी गई। उसकी माँ को भी सजा दी गई, जिसने जुर्म किया है उसे बुलाकर फांसी पर लटका दो। किसी ने सरकार पर भरोसा किया था लेकिन उसे धोखा दे दिया गया। कंपनी को सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। कौन यहाँ मरने के लिए वापस लौटेगा? उसकी पत्नी छोटे से बच्चे के साथ भारत लौटी थी और उसे महीनों तक जेल में रहना पड़ा। क्या यह इंसाफ है? उसने मदद की लेकिन तुम लोगों ने उसका साथ क्या किया? उस पर यह आरोप लगाता है कि वो दाऊद का सहयोगी था, यह सही नहीं है। और छोटा शकील की धमकी पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि गीदर भपकियां देने की बजाय दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील में अगर हिम्मत है तो हिंदुस्तान आए और यहां के कानून का वो सामना करें। जो दाऊद इब्राहिम है और छोटे शकील है, ये जो गीदड़ों की होती है धमकियां देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अंदर हिम्मत है तो देश के अंदर आए और देश के कानून से जरा उलझे और फिर समझेंगे कि उनके अंदर कितने धमके। भारत और 125 करोड़ लोग भारत के ये गीदड़ों की धमकियों से डरने वाले नहीं।